बीएलओ एवं शिक्षकों द्वारा मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए ऑनलाइन गोष्ठी का आयोजन जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसके संबंध में जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जनपद में 12,000 से अधिक जो शिक्षक हैं उन सबको बूस्टर डोज लगवाने के लिए प्रेरित किया गया तथा बच्चों को ई पाठशाला से जोड़ते हुए जो बच्चे स्कूल बंद होने के कारण शिक्षा से वंचित रह गए हैं उनको विभिन्न डिजिटल दीक्षा ऐप, ऑडिलॉक ऐप, व्हाट्सएप सामग्री उससे जोड़ने के लिए प्रेरित किया गया है। साथ ही साथ स्कूलों में बूथों की भी सुविधा में वृद्धि हो सके। उन्होंने बताया कि घर घर दस्तक देते हुए बीएलओ एवं शिक्षकों द्वारा मतदाताओं को प्रेरित किया जाए, इस संबंध में ऑनलाइन गोष्ठी आयोजित किया गया। ऑनलाइन गोष्ठी में एडीएम एफआर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे तथा सभी खंड विकास अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, ही ज्यादातर बूथ हमारे स्कूल में है, कायाकल्प अभियान चल रहा है, आपने उसमें काफी चीजों में संतृप्तिकरण पैरामीटर संतृप्त किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम बचा है जिसको हमें पूरा करना है। और साथ ही साथ दूसरा कटक है कि हम घर घर दस्तक देते हुए लोगों को जोड़े, लोगों विभिन्न कारणों से लोग वोटिंग से वांछित रह जाते हैं, चाहे वो घरेलू कारण हो, महिलाएं छोटे बच्चों के कारण नहीं आ पा रहे हैं, कुछ लोग पलायन करके बाहर हैं, कुछ लोग आर्थिक गतिविधि से एक दिन का मजदूरी नहीं गवा सकते हैं, या उनको कुछ जिज्ञासा है, कुछ लोगों की आस्था में कमी है, बहुत सारे कारण होते हैं। तो उसी अनुसार हमें संवाद स्थापित करना है उस परिवार के साथ। और जब आप संवाद स्थापित करेंगे, ग्राम स्तरीय कर्मचारीगण, शिक्षकगण सभी संवाद स्थापित करेंगे और उनको अपने लिहाज में समझाएंगे, तो एक आस्था जगेगी, एक विश्वास जगेगा, एक दायित्वों का एहसास होगा, अधिकारों का प्रयोग के बारे में भावना सृजित होगी, एहसास होगा, और हमें एक जज्बे के साथ लोग वोटिंग करने के लिए 3 मार्च को बाहर आएंगे। ये बहुत जरूरी है। और हर एक बूथ में अगर हम 50 से 100 लोगों को अगर मतदान के लिए आपके माध्यम से प्रेरित करें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस बार जो हमारा लक्ष्य है कि हम कम से कम 10% हमारे वोटिंग परसेंट बढ़ा के 70% तक पहुंचाएंगे, उसमें हम कामयाब होंगे। इसी बिंदु पे आपको प्रस्तुत करने के लिए एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज और हमारे स्वीप अभियान के बारे में प्रस्तुत करने के लिए हमारे सीडीओ साहब जो स्वीप के प्रभारी हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और हमारे डिप्टी डीओ राजेश जी एडीएम साहब हैं, वो दोनों आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, मैं उनका आमंत्रित करता हूं। सर नमस्कार। सर जिलाधिकारी रिस्पेक्टेड डीएम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे यहाँ पे अपना एएमएफ और स्वीप के बारे में बोलने के लिए मौका देने के लिए। सारे शिक्षकगण, शिक्षक साथियों को नमस्कार। जो स्वीप में हमारे जो प्लानिंग है उसके बारे में मैं भी बताऊंगा आपको डिटेल से। हम लोग जो इसको अप्रोच कर रहे हैं ताकि हमारा जो परसेंटेज है वोटिंग का वो बढ़े, इसमें ग्राम पंचायत स्तर पर निगरानी समिति जो कोविड को देखते हुए नियंत्रण के लिए बनाई गई थी उनके द्वारा जीपी लेवल पे मीटिंग की जा रही है, और उसमें कोविड वैक्सीनेशन के साथ साथ और कोविड के फैलाव को रोकने के साथ साथ एक स्वीप पे भी वार्ता की जा रही है, और इसके साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं वो डोर टू डोर कैंपेन चला के जो सबसे जो वर्ग वोट नहीं डालता है उनको मोटिवेट कर रहे हैं और उनकी समस्याएं जो है उनको सुन के हमारे तक पहुंचा रहे हैं ताकि वो वोट डालें। जो वोट ना डालने के मुख्यतः कारण जो डीएम सर ने अभी बताए हैं उसमें जो मेन है कि उनका रोजगार के कारण पलायन हो सकता है, महिलाओं का ना वोट डालना क्योंकि घर में छोटे बच्चे हो सकते हैं, या जागरूकता भी कमी हो सकती है, कोई मजदूरी दैनिक मजदूरी का ना खराब हो, ये सब कारण हो सकते हैं और भी कई कारण हो सकते हैं। तो इन सबको काउंटर करने के लिए हमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोग जो हमें किस तरह से सहयोग कर सकते हैं, विद्यालय जैसे ही विद्यालय के जितने बच्चे हैं बच्चों के थ्रू जो आप अभी ई पाठशाला चला रहे हैं या व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं, अभिभावकों को आप प्रेरित करेंगे बच्चों के थ्रू कि आप वोट डालें, और ताकि जो मेरा मतदान और मेरा मत और मेरा अधिकार एक जो अभियान हमने चलाया है इसके अंतर्गत हम लोग वोटिंग का जो परसेंटेज इस बार बढ़ा सके। वोटिंग परसेंटेज कम रहने का इस बार ये भी कारण हो सकता है क्योंकि कोविड के कारण इलेक्शन कमीशन द्वारा बहुत सारी गाइडलाइंस लगाई गई है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, तो इसलिए जो प्रचार प्रसार है वो अलग तरीके से हो रहा है, तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बढ़ जाती है स्वीप को लेते हुए।
तो मैं सारे टीचर साथियों से ये मैं अनुरोध करूंगा कि आप बच्चों के थ्रू अभिभावकों को तक पहुंचे, क्योंकि आप एकदम एंड पोलिंग बूथ लेवल पे आप लोग का पूरा टच है, और अपने जो बाकी साथ बाकी जो विलेज लेवल पे लोग हैं, बीएलओ है आपके, स्वयं सहायता समूह है, हमारे सचिव हैं, लेखपाल हैं, और जो भी सरकारी कर्मचारी नीचे अवेलेबल है, पंचायत सहायक है, इनको लेखते हुए आप लोग स्वीप के जो प्रचार प्रचार में मदद कीजिए। इसके अलावा पोलिंग बूथों पे जो शोर मिनिमम फैसिलिटीज है, कायाकल्प में काफी इंप्रूवमेंट हुई है। अगर कोई सचिव इसमें आपको कोई कमी दिख रही है और सचिव आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो आप डायरेक्ट मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और ये हम इंश्योर करेंगे कि अशोर मिनिमम फैसिलिटी 100% हर बूथ पे अवेलेबल हो। इससे एक फायदा और होगा कि स्कूल में जो हम कायाकल्प कर रहे हैं उसको भी बढ़ोतरी मिलेगी। इस बार बहुत सारे बाउंड्री वॉल हमने लिए हैं, हमारा 30 अप्रैल तक का टारगेट है कि स्कूल के कायाकल्प में हम लोग 100% अचीव कर लें और सारी बाउंड्री वॉल्स बन जाए, कोई फंड की कोई कमी नहीं है। कोई इसी बहाने से हम लोग AMF के बहाने से कोई भी प्रोजेक्ट स्कूल में अभी करवा सकते हैं ताकि AMF इंश्योर हो जाए। तो अगर कहीं पे पंचायत लेवल के अधिकारी आपसे सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मुझे इसके में जरूर इन्फॉर्म करें, और हम भी यहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं ताकि हर स्कूल में हर बूथ में AMF हमारा इंश्योर हो जाए। इसके अलावा ADMFR साहब ने अभी तक बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग कैंपेन चलाए हैं। जुबली जो इंटर कॉलेजेस है उसमें भी हमारे द्वारा कैंपेन चलाए गए हैं। कल वोटर दिवस है, उसपे भी कल हमारा एक बेहद कार्यक्रम है यहाँ पे, और ये इसमें अभी मैं ADMFR साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 मिनट लगा के जो अभी तक के कैंपेन हुए हैं और हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके बारे में जरूर जानकारी दे, ताकि उसके थ्रू भी हम लोग हर वोटर तक पहुंच सके। ADMFR साहब नमस्कार सर, परम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, CDO सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि विधानसभा निर्वाचनों की घोषणा हो चुकी है और हमारे यहाँ 4 फरवरी से नामांकन होगा और 3 मार्च को मतदान किया जाएगा। हमारे पास जो सोशल मीडिया के लोगों तक भी हमारा प्रचार प्रसार हो जाएगा, हम लोगों तक पहुंच जाएंगे। एक हमारा और अच्छा माध्यम है, मैं भी सुन भी रहा था, आपकी अपनी पाठशालाएं बनी हुई हैं। हमने इसी प्रकार की चुनाव पाठशाला का कंसेप्ट दिया था, ढेर सारी चुनाव पाठशालाएं हमने बनाई हुई हैं। मेरा अनुरोध अभी रहेगा, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है उनके साथ मैं अलग से बैठक भी कर लूंगा, प्रत्येक आपका जो ब्लॉक है, जो आपके BEO साहबान है, एक स्वीप उस ब्लॉक का नाम करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, उसमें हमें जोड़ लें, अन्य लोगों को भी जोड़ लें, तो जो मटेरियल होगा हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्राथमिक स्कूल पे और प्रत्येक उच्च प्राथमिक स्कूल पर आप चुनाव नाम से, इसका मैंने नॉमिनिक्लेचर कैसे बनाना है ये क्लियर किया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो हमारे कर्मचारी और अधिकारी लोग थे उन्होंने चुनाव पाठशाला। हमारे यहाँ कुल 9 विधानसभाएं हैं, AC 320 से लेकर के AC 328, तो हम इसका नाम कैसे रखा जाएगा ये भी क्लियर कर देंगे। लगभग हमारी 2500 चुनाव पाठशालाएं बन जाएंगी। मैं सभी शिक्षक साथियों से विशेष रूप से ये आग्रह करूंगा कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए गांव में घर घर दस्तक अभियान बहुत जरूरी होता है, और इसमें नियमित रूप से और निरंतर प्रयास करना चाहिए। बार बार हम जब दरवाजे पे गटखटाएंगे, लोगों को एहसास दिलाएंगे, विशेषकर उन वर्गों में जहां पे अभी तक वोटिंग नहीं हुई हो रही है, प्रथम बार नए युवतियां वोट करने जा रही हैं, उनको जानकारी का अभाव है, या महिलाएं किसी कारण से नहीं जुड़ रहे हैं, ऐसे वर्गों को जब आप संवाद स्थापित करेंगे, बात करेंगे, चाहे वो अपने स्कूल के विषय, स्कूल के अन्य कार्यों के बारे में हो, बच्चों के संबंध में हो, ई पाठशाला के संबंध में, और साथ ही साथ मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए, मतदान में उनको जोड़ने के लिए बात हो, ये हमारे देश के संविधान को, हमारी व्यवस्था को और अखंड और सुदृढ़ बनाने के लिए आपका बहुमूल्य योगदान रहेगा। ये सबसे बड़ी ताकत है हमारे प्रजातंत्र की, सबसे कमजोर वर्ग का व्यक्ति भी अपने अधिकार को मतदान के माध्यम से जताकर अपने देश को अपना योगदान देता है। इस महत्वपूर्ण कड़ी में आपको लोगों को जोड़ने के लिए हम आह्वान करते हैं, और साथ ही साथ जहां भी ग्राम पंचायतों से माध्यम से आप कम मूलभूत सुविधाओं का अभाव पा रहे हैं अपने स्कूल में, अपने बूथों में, तो जरूर ब्लॉक लेवल से समन्वय स्थापित करते हुए, जैसे आपने
गत वर्षों में किया है, कायाकल्प में अच्छी प्रगति दिखाई है, उसको आगे बढ़ाते हुए संतृप्तिकरण करें। ये बहुत अच्छा अवसर है, सभी ग्राम पंचायतों को हमने मोटिवेट किया है, वहां धनराशि उपलब्ध है, तो अच्छी व्यवस्था के साथ हम लोग इस बार मतदान करवा सकते हैं और उसमें आपका नेतृत्व बहुत जरूरी रहेगा। सभी शिक्षक साथियों से, जो हमारे जनपद के 12,000 से ज्यादा शिक्षक हैं, उन सबको सतर्कता डोज लगवाने के लिए प्रेरित किया गया। बच्चों को ई पाठशाला के साथ जोड़ते हुए, जो बच्चे स्कूल बंद हैं अभी, इसलिए शैक्षणिक कार्य से वंचित रह गए हैं, उनको विभिन्न डिजिटल लर्निंग, जैसे दीक्षा है, रीड अलॉन्ग ऐप है और हमारे व्हाट्सएप सामग्री जो जा रही है उससे जोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। और साथ ही साथ स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं, ताकि बूथ में मतदान प्रतिशत और वृद्धि हो सके, घर घर दस्तक देते हुए मतदाताओं को प्रेरित किया जाए बीएलओ द्वारा और शिक्षकों द्वारा। इसके लिए उनके साथ आज ऑनलाइन गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें अच्छी प्रतिभागिता रही और सब बहुत अच्छे माहौल में इसका हम लोगों ने आज क्रियान्वयन किया।